नमस्ते स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ एक फ़ोनिक्स ट्रेनर हूँ सर्टिफाइड फॉनिक्स ट्रेनर हूँ और साथ में ही एक छः साल की बेटी की माँ हूँ मैंने पिछले कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने अपनी बेटी की नोटबुक शेयर करी है एंड टॉयज़ शेयर करे हैं बुक कलेक्शन शेयर किया है आज का ये वीडियो भी कुछ उसी तरीके का है आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए मार्च अप्रैल एंड मई ये तीन मंथ्स में क्या क्या लिया मतलब क्या टॉयज़ लिए क्या बुक्स ली क्या पजल्स ली एंड uh, इनमें से मुझे एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो इसमें से बहुत से प्रोडक्ट हैं मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं जो मैंने खुद अपने पैसे से परचेज़ किए हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा इनका मिनी रिव्यूज़ हैं पूरे डिटेल रिव्यू नहीं है और जो प्रोडक्ट मुझे पिछले तीन मंथ्स में पी में मिले हैं तो वो भी मैंने शेयर किए हैं इस वीडियो में इट विल बी अ ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियो विथ जेन्यूविन रिव्यूज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ टॉइंग स्क्रंचीज़ एंड ये स्क्रंचीज़ मतलब जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के कुछ भी बनाते हो सो so ऐसे ही ये सॉफ्ट प्लास्टिक स्क्रंचीज़ हैं तो इसमें कुछ हेरी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट काटे जैसा कुछ है एंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा है मतलब एंड जोड़ जोड़ के बच्चा कुछ भी बना सकता है ना ये जो पैक मिला था मुझे दिस वॉज़ फॉर टू सिक्सटी नाइन रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया रीज़न नंबर वन ये जो स्क्रंचीज़ हैं ये बहुत ही इतने छोटे छोटे थे तो आप जोड़ के भी क्या भी फिगर बनाओगे एंड बनेगा भी तो बहुत छोटा सा फिगर बनेगा बच्चों को इतना मज़ा नहीं आएगा सेकेंड रीज़न दैट प्राइस के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है सिक्सटी स्क्रंचीज़ इतना छोटा सा पैकेट आया एंड आई थिंक इट शुड बी नॉट मोर देन लाइक वन फिफ्टी रुपीज़ एंड थर्ड रीज़न मुझे जो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये जो स्क्रंचीज बच्चे खेलते खेलते गलती से उनके ऐसे थोड़े आ, अगर विंटर्स में वुलन क्लोथ्स हैं तो उस कपड़ों में लग जाए तो पूरा ऐसे यू you नो know, रोए निकल आएंगे या फिर बालों में लग जाए बच्चों के खेलते खेलते एंड बाल ही खिंच जाएंगे सो नॉट अ वेरी गेट ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड एटलीस्ट प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आई विल गिव इट नॉट मोर देन वन स्टार आउट ऑफ फाइव द सेकेंड प्रोडक्ट इज जस्ट फॉनिक्स बुक सेट ये चार बुक का बुक सेट है फॉर द एज थ्री टू फाइव इयर्स इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुकी हूँ ये मुझे पीआर में मिला था ये मुझे कंपनी ने सेंड किया था बट इसके कंटेंट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं तो अगर आप अपने तीन से पाँच साल या इनफैक्ट छः साल सात साल तक के बच्चों के लिए कोई फोनिक्स की बुक्स देख रहे हैं तो दीज बुक्स आर रियली वेरी गुड आई विल रेड देम फोर एंड हाफ़ आउट ऑफ फ़ाइव इसका डिटेल रिव्यू देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं साथ में ये भी बता दूँ कि आज जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अब जब फोनिक्स की बात चल रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं एंड ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून 2022 से एक बैच शुरू होने वाला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ फोर टू फाइव इयर्स यानी करीब नर्सरी एलकेजी के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं काफ़ी इंटर एक्टिव क्लासेज होती हैं टाइमिंग्स रहेंगे फाइव पी डिटेल्स जानने के लिए मम्मी ट्यूबर इंडिया मुझे ई ड्रॉप करिएगा द थर्ड वन इज़ टॉपल जो पहला वाला टॉइंग्स क्रंचीज़ थे वो भी मैंने खुद परचेज किए थे ये भी मैंने खुद परचेज़ किया है इसका प्राइस जो छपा है वो है फ़ोर नाइन्टी मिला था मुझे करीब थ्री हंड्रेड में समथिंग टू नाइन्टी का मिला था नाउ दिस इज़ अ फन गेम अ फैमिली गेम वेयर टू और मोर प्लेयर्स कैन प्ले बच्चा अकेले भी खेल सकता है लेकिन लोगों के साथ बच्चों के साथ मिलके खेलेगा या हम लोगों के साथ तो और मज़ा आएगी तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये इस तरीके का एक बैलेंसिंग बोर्ड ये हैं पेग्स जो आपको गोट की तरह होते हैं जो आपको इसके ऊपर लगा के बैलेंस करना है पॉइंट स्कोर करना है ये है एक बैलेंसिंग रॉड एंड बोर्ड को रखा रॉड के ऊपर आप बोर्ड हिलते हुए देख रहे हो क्योंकि ये गेम ही ऐसा है बोर्ड हिलेगा पर आपको इसको गिरने से बचाना है अब मैंने ये डाइस रोल किया मेरी टर्न है और नंबर आया टू अब आप जैसे बोर्ड पे देख सकते हैं कि टू टू कहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है या यह, यहाँ 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 टू यह, यह, लिखा है तो कहीं पे भी आप अपना ये प्लेस कर सकते हैं और धीरे से प्लेस करना है कि गिरे ना अब सामने वाले की टर्न है तो नंबर आया फाइव ऐसे ही वो अपना पैग उठाएगा और फाइव पे रखेगा फाइव कहाँ यहाँ पे यहाँ पे फोर कॉर्नर्स पे है फाइव पे रखा ऐसे ही गेम चलता रहेगा पॉइंट स्कोर तब होंगे जब कोई भी एक लाइन बन जाए कोई भी एक रो बन जाएगी डाइगनल हो सकती है ऐसे हो सकती है मतलब इस डायरेक्शन में हो सकती कैसे भी बट फाइव का जो है वो रो बनाना है गेम एंड होगा जब टॉपल हो जाएगा यानी ये गिर जाएगा या नहीं भी गिरा तो एट द एंड जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा इसको मैं दूंगी फोर स्टार्स आउट ऑफ फाइव वाई बिकॉज प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है स्टर्डी क्वालिटी का है गेम इंटरेस्टिंग है फैमिली गेम है नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोको मोको एक्सप्लोर इंडिया इंडिया मैबजिक सॉ पज़ल थर्टी पीस पज़ल है फॉर एजस थ्री टू सिक्स ईयर्स ये मैंने खुद से लिया था एंड ये इसमें छपा तो टू नाइन्टी नाइन है तो जब मैंने लिया था तो 299 का ही था विदाउट डिस्काउंट बट अभी मैंने रिसेंट में चेक किया अब इसका प्राइस बढ़ गया है एंड डिस्काउंट के बाद ये थ्री हंड्रेड का है कम ऑन लाइक मुझे 299 यानी 300 इसके महंगे लग रहे थे आपने और प्राइस बढ़ा दिया अंदर के कंटेंट्स देखें तो इस तरह का एक क्लॉथ बैग मिलता है उसके बाद है ये एक पेपर जिसमें इंडिया का मैप बना है फॉर रेफरेंस जिसको देख के बच्चे लगा सकते हैं एंड फाइनली ये पीसेस हैं नाउ दफ्ती है मोटी दफ्ती है बट इतनी भी नहीं है कि लाइक आप मैं एक्सपेक्ट करूँगी इस साइज का जो पज़ल है और अगर वो तीन सौ से ऊपर का है तो एटलीस्ट थोड़ा लकड़ी वाला जो होता है वो हो सकता है राइट अब ये देखिए मैंने पूरा इंडिया का मैप लगा दिया है आप देख सकते हैं स्टेट्स हैं स्टेट्स के कैपिटल हैं वहां का जो चीज़ें फेमस है वो है कई स्टेट्स का जो फेमस डांस है वो दिया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वॉलैनोज होते हैं तो वॉलकैनो की पिक्चर है उड़ीसा में चिल्का लेक के पास डोल्फिन होते हैं तो डोल्फिन मैंशन है मतलब ऑल एंड ऑल पजल ठीक है पीछे देख रहे हैं जस्ट सिंपल पेपर है एंड बच्चे कलरिंग कर सकते हैं बट मैंने अपनी बेटी को अलाउ नहीं किया बिकॉज एक बार कलरिंग कर लो फिर आप दोबारा नहीं कर सकते हो सो so, मैं मे बी थोड़े टाइम बाद में उससे कहूँगी ठीक है आप कलर कर लो एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि इन्होंने ब्रांडिंग ऊपर ही बड़ी सी कोकुमो को दे रखी है आपका बॉक्स में ब्रांडिंग है आपका आपको देनी भी थी तो आप नीचे छोटा सा दे सकते थे तो बीचों बीचे कोकुमो को मेरी बेटी कहती मम्मा ये भी कोई आइलैंड है क्या ये ये भी कोई स्टेट है क्या तो मेरी बेटी ऐसे मैंने कहा नहीं बेटा ये कंपनी का नाम है जो यहाँ छपा हुआ है इस तरीके के एंड इससे काफ़ी कम प्राइस पे आपको नॉर्मल पज़ल्स मिल जाएंगे लोकल मार्केट में मिल जाएंगे ठीक ठाक क्वालिटी के मिल जाएंगे सो so, uh, मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग बट स्टिल अगर आप ये बॉक्स और अच्छा फैंसी देख के परचेज़ करना चाहते हो तो देन इट्स योर विश मैं इसको दूँगी टू एंड हाफ़ आउट ऑफ फ़ाइव रेटिंग नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिशा पब्लिकेशंस ओलंपियाड की बुक्स सो ये इंग्लिश की है ये साइंस की है ये मुझे पीआर में मिली थी मुझे कंपनी ने भेजी थी बट ये बुक्स भी अच्छी हैं लाइक ये एक बुक 200 की है हाँ 200 हंड्रेड की बुक्स हैं बस बट इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो अगर आप अपने बच्चे को ओलंपियाड प्रपरेशन करा रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक्स देख सकते हैं डिटेल्ड रिव्यू के लिए आप आई बटन पे जाके क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी परचेजिंग लिंक भी दे दूंगी एंड इसको मैं रेटिंग दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है दिस इज़ विजुलाइज मैथ किट ये मैंने खुद के पैसों से ली थी मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद है इस पर लिखा है 1050 बट मैंने इतने की नहीं ली थी आई टू इट समवेयर अब अराउंड 850 850 की ली थी नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड किट इफ़ यू आर अ टीचर सो टीचर्स और आप फर्स्ट सेकेंड को मैथ्स पढ़ाते हो यू के जी के बच्चों को पढ़ाते हो तो टीचर्स के लिए कि काफ़ी अच्छी किट है फॉर पेरेंट्स आई वुड से कि अगर आपको लगता है मैं अभी अंदर के कॉन्टेंट्स दिखाऊँगी तो अगर आपको लगता है कि आप इससे अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा ले जाओगे बिकॉज इससे बच्चे को मैथ्स पढ़ाना इज नॉट वेरी सिंपल थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ थोड़ा सा लगेगी बट अगर आपको लगता है तो आई हाईली रिकमेंड दिस किट आप ये किट ज़रूर अपने बच्चों के लिए खरीदना अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ वो कॉपी पेंसिल के तरीके से मैथ्स रटाना नहीं चाहते हो उसको लॉजिकली मैथ्स समझाना चाहते हो प्लेस वैल्यू टेंस वनस हंड्रेड्स एडिशन, अप्रैक्शन कैरी ओवर अगर लॉजिकली समझाना चाहते हो दिस किट आई हाईली रिकमेंडेड ये है बॉक्स ये ग्रेड वन के लिए है मेरी बेटी उसी एज की है इसीलिए देन आपको इसमें ये मिलेगी एक बुकलेट इस बुकलेट में जो भी अंदर मटेरियल है उसको यूज़ करने का तरीका है ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट है ये टेम्पलेट्स हैं सो ये ब्लॉक एडिशन ब्लॉक सब्ट्रैक्शन का टेम्पलेट है देन नंबर ऑफ द डे का टेम्पलेट है तो एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग एडिशन उसको एक्सपैंडेडेडेडेडेड फॉर्म में लिखना मतलब यूज़ तरीके करने का तरीका बुकलेट में दिया है ये मनी पे है ये मेजरिंग ऑब्जेक्ट पे है ये एक बुकलेट है आंसर्स की कौन से आंसर्स अंदर एक फ्लैश कार्ड्स का सेट है उसके आंसर्स हैं और ऊपर और आप गेम भी देख सकते हैं अब अंदर ये इसमें है हंड्रेड्स के जैसे ब्लॉक्स होते हैं उसकी जगह हंड्रेड्स की शीट आ, आराम से यूज़ हो सकता है मतलब मोटा मटेरियल है अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं और अंदर का यही मटेरियल तो मेन है सब यूज़ करने के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए ये है न्यूमिकॉन्स बच्चे को बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए देन आ, ये टेंस के ब्लॉक्स की जगह टेंस के स्ट्रिप्स हैं काफ़ी सारी हैं मतलब आ, क्योंकि बच कोई बड़ा नंबर भी अगर बच्चा करना चाहे प्रैक्टिस तो इनके हेल्प से आराम से कर सकता है देन ये जो और भी आप देख रहे हैं वन से लेके टेन तक की इंडिविजुअल स्ट्रिप्स हैं तो वन टू थ्री फोर करके पूरी स्ट्रिप्स हैं अब ये है नंबर uh, कार्ड्स तो इसमें नंबर्स दिए गए हैं क्योंकि बच्चे को आप खेल खेल में पढ़ाओगे तो पिकअप नंबर लिखने की जगह ऐसे पिकअप करो और फिर पढ़ाओ एंड uh, फिर उसके अलावा ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है प्लस का साइन माइनस का साइन यही सारी चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है वंस के ब्लॉक्स की जगह ये वंस के कार्ड्स हैं ऑल इन ऑल किट जैसे मैंने पहले बोला अच्छी है यूज़ करना इतना सिंपल नहीं है अगर आप चाहेंगे कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ इसको यूज़ करने पे लेके तो मैं वो भी करूँगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस बुक महाभारत फॉर चिल्ड्रन ये पेगास पब्लिकेशन्स uh, की है ना मेरा ये मानना है कि आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो अपने बच्चों को उसके बारे में बचपन से बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू कीप दैम ग्राउंडेड ओके मॉडर्नाइजेशन के दौर में कम हम कहीं खो ना जाएं और अपने वैल्यूज़ अपना कल्चर बच्चे को अच्छे से ना बता पाएँ तो मैं ये वीडियोस के थ्रू करती हूँ मैं स्क्रीन टाइम में अपनी बच्ची को जब फ़ोन दिखाती हूँ तो आ, कृष्ण जी की एंड हनुमान जी की कहानियाँ दिखाती हूँ एंड बुक्स के थ्रू भी मैं करना चाहती हूँ दैट्स वाई मैंने ये बुक ली अब आप जैसे देख सकते हैं अंदर के कॉन्टेंट्स बुक काफ़ी अच्छी है काफ़ी अच्छे पेजेस हैं एक एक चीज़ डिटेल में दी गई है एक एक स्टोरी डिटेल में दी गई है विथ पिक्चर्स क्योंकि नॉर्मली महाभारत या गीता जो बड़ों के लिए होती है तो उसमें पिक्चर्स नहीं होती है तो बच्चे थोड़े रिलेट नहीं कर पाते हैं तो मैंने इसीलिए ये बुक मंगाई थी विथ पिक्चर्स मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये छः साल के बच्चों के लिए नहीं है इतना डिटेल में है इसकी वोकेबलरी इतनी अच्छी है डेफिनेटली मैं उससे नहीं पढ़वाती हूँ मैं खुद पढ़ के उसको सुनाती हूँ ट्रांसलेट करती हूँ वर्ड्स का मतलब बताती हूँ ऑल इन ऑल बुक काफ़ी अच्छी है अगर आपका बच्चा नौ दस साल का है तो आप डेफिनेटली ये बुक उसके लिए परचेज करिए एंड उससे छोटे बच्चों के लिए ये बुक अभी नहीं है तो मैं इस बुक को साइड में रख दूंगी मे बी आज से डेढ़ दो साल बाद या तीन साल बाद अपनी बेटी के लिए ये बुक निकालूंगी रेटिंग की बात करें सो आई गिव दिस बुक फोर एंड हाफ और फाइव आउट ऑफ फाइव रियली नाइस बुक नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गेम ये है बिजनेस गेम ना ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस गेम है वो नहीं है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको सिंपल किया गया है थोड़े छोटे बच्चों के खेलने के लिए सो एज़ इज फाइव प्लस ये मैंने बिग बाज़ार से लिया था अब तो बिग बाज़ार बिग बाज़ार भी नहीं है तो मतलब वो चेंज हो चुका है बट मैंने ये लिया था Uh, इसमें छपा है टू नाइन्टी नाइन थ्री हंड्रेड रुपीज़ बट नाइन्टी नाइन रुपीज़ का मुझे मिला था तो आई थॉट कि हंड्रेड रुपीज़ में चलो ट्राई करके देखते हैं इस बॉक्स को खोलने पे आपको मिलेगा एक बोर्ड क्योंकि ये एक बोर्ड गेम है एंड ये बोर्ड की क्वालिटी हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रॉसरी स्टोर एक्सेसरीज़ बेकरी टॉयज़ ऐसे करके चार स्टोर्स दिए गए हैं एंड ये है करेंसी नोट्स हंड्रेड के नोट ये आ, मैंने ना एक मोटी सी शीट पर चिपकाए हैं जिससे ये थोड़े पतले थे जल्दी फट ना जाएँ तो मैंने चिपका लिए कुछ ही चिपकाएं बाकी बाकी हैं एंड Uh, इसके अलावा ये है पेग्स ये चार गोटी हैं और ये हैं कार्ड्स ये कार्ड्स जो हैं इन पे पिक्चर्स बनी हैं सेम पिक्चर्स हैं जो आपको बोर्ड पे दिखेगी जब जैसे ये टॉय है तो ये टॉय स्टोर में आपको दिखेगा शॉप में आपको यहाँ पे प्लेस करना है ओके okay? एंड uh, जैसे ये अब मैं निकाल रही हूँ केक है तो केक आपको बेकरी में मिलेगा एंड बेकरी में आपको यहाँ पर कट लगा देना है अब हर प्लेयर एक एक स्टोर ले लेगा ले एंड उसके लिए एक एक पैग है एक एक गोटी ले लेगा ले फिर उसके बाद इसमें है एक डाइस कहाँ गया hmm, हाँ ये रहा सर so, डाइस लेना है इसको रोल करना है और जो भी नंबर आया वो आगे बढ़ना है अब आगे बढ़ते जाना है अपनी स्टोर से प्लेयर नहीं ले सकता है कुछ भी दूसरों की स्टोर से ले सकता है गेम एंड कब होगा जब सारे जो कार्ड्स हैं वो बिक जाएंगे आप खरीद लोगे इस गेम का रूल ये है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू के कार्ड्स होंगे वो विनर होगा बट मुझे थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है इसके रूल को तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू के कार्ड्स होगा यानी सामान होगा वो प्लस जिसके पास जो उसके नोट बचे हैं उनकी वैल्यू कितनी है उन दोनों को टोटल करके जो ज़्यादा होता है मैं उस हम लोग उसको विनर मानते हैं थोड़ा सा बोरिंग गेम है मतलब मेरे घर में ये दो बार तीन बार खेला गया उसके बाद रख दिया गया एंड तब से वो ऐसे ही पड़ा है बट नाइनटी नाइन रुपीज़ में आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो क्वालिटी ठीक है क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं है इसकी एंड इन केस आपको मिलता है और आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं रेटिंग मैं दूंगी इसको अबाउट थ्री एंड हाफ आउट ऑफ फाइव नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज बुक्स जो कि पेगासस पब्लिकेशन पेगासस फॉर किड्स की हैं एंड माई नॉलेज बुक की इनकी सीरीज आती है तो ये है साइंस ये है ह्यूमन बॉडी नेचर एंड दिस वन इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन नाउ ये आ, तीन बुक्स इसमें से सिक्सटी रुपीज़ की है एक नाइन्टी नाइन की है बट टोटली वर्थ यू मनी जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है थिक पेपर्स हैं ग्लॉसी पेपर्स हैं प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बिल्कुल क्लीन प्रिंटिंग है एंड जो आ, इसके पिक्चर्स हैं उसके कलर्स बहुत क्लियर हैं अच्छे हैं ना ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आपके बच्चे की ई या फिर साइंस बुक में मिल जाएगी आई नो इट वेरी वेल बट इसमें जैसे छोटी-छोटी क्विक फैक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं वैसे तो आजकल टेक्स्ट बुक्स में भी बच्चों की स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी क्विक फैक्ट्स होते हैं बट uh, मैंने मेन रीज़न मेरे लिए ले, लेने का ये था कि uh, जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और अब मेरी छः साल की बीट, बेटी है वो रीडिंग करती है तो थोड़ी बहुत रीडिंग जब वो करती है तो उसको देखने में काफ़ी बड़ा दिखता है तो उसको इंटरेस्ट आता है ओके एंड टेक्स्ट बुक में क्या होता है एक पेज पे बहुत सारा लिखा होता है तो जब जब मैं कभी उसे कहूँगी रीड करो तो वो कहेगी इतना सारा रीड करना है इसमें एक पेज पे दो तीन चार लाइंस हैं तो आराम से हंसते खिलते पूरी बुक रीड करने की कोशिश करती है वो मेन पे पर्पज मेरा लेने का यही था आई वुड रेड दिस बुक अबाउट फोर आउट ऑफ फाइव जस्ट बिकॉज द प्राइज दैट यू आर पेइंग फॉर द क्वालिटी एंड द कॉन्टेंट इज ऑल्सो वेरी गुड देखिए मैं जनरली इस टाइप के वीडियोज़ नहीं करती हूँ मेरे टॉपिक uh, पे वीडियोज़ होते हैं मैं फोनिक्स एक्सप्लेन करती हूँ तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखने हैं फ्यूचर में तो आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर टाइप करिएगा या थम्स दे के जाइएगा कमेंट कॉमेंट सेक्शन में तो मैं ऑन एंड ऑफ लाइक हर दो महीने में तीन महीने में जब भी कुछ कुछ परचेज़ करूँगी तो उसके वीडियो मैं बनाऊँगी एंड इसी तरीके से रिव्यूज़ दूँगी देखते रहिए मम्मी ट्यूबर नमस्ते